कांग्रेस के चिंतन शिविर का दूसरा और आखिरी दिन, राहुल गांधी को कमान सौंपने का हो सकता है बड़ा ऐलान। अगले 24 घंटे में राहुल के लिए आ सकती है खुशखबरी, जयपुर इकाई को जश्न के लिए तैयार रहने का निर्देश। राहुल के सुझावों को तवज्जो, प्रदेश, जिला और ब्लॉक प्रभारियों के चुनाव नहीं लड़ने देने का है प्रस्ताव। 2 से 3 बार चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को भी टिकट नहीं देने का राहुल का प्रस्ताव, उम्मीदवार का ऐलान चुनाव से काफी पहले हो। चिंतन शिविर में 5 मुद्दों पर महामंथन, राजनीतिक आर्थिक चुनौतियों से लेकर महिला सशक्तिकरण पर भी विचार। चिंतन शिविर में राहुल नाम के ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, राहुल के नेतृत्व में लड़ना चाहिए 2014 का चुनाव। अर्जुन मोडवाडिया ने कहा, राहुल गांधी है हमारे अविवादित नेता, उनके सामने मोदी कुछ नहीं। मणिशंकर अय्यर ने कहा, पार्टी लीड करने पर राहुल खुद लेंगे फैसला, पार्टी करेगी पुरजोर स्वागत। राहुल रथ में संजय निरुपम सबसे आगे, कहा 2014 चुनाव में राहुल होंगे कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी की बीजेपी पर चुटकी, कहा राहुल गांधी के नाम पर बीजेपी को सूंघ जाता है सांप। चिंतन शिविर में अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के हालात पर विचार, बेहतरी के लिए उपायों पर चर्चा। सब्सिडी स्कीम नहीं हटाएगी सरकार, कहा आम आदमी तक पहुंचे सरकारी मदद। चिंतन शिविर में महिला आरक्षण पर भी मंथन, रिजर्वेशन बिल को लागू करने की होगी पार्टी की कोशिश। जयपुर में नाबालिगों के शारीरिक उत्पीड़न पर कांग्रेसी नेता सख्त, सजाए मौत की मांग। चिंतन शिविर खत्म होने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक, जिसके बाद होगी कोर कमेटी की मीटिंग। कांग्रेस की चिंतन शिविर पर बीजेपी का जबरदस्त हमला, पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने दागे कई सवाल। बीजेपी ने सोनिया से किया सवाल, सरकार के कार्यकाल में खत्म होने में कम वक्त, इसमें क्या करेगी कमाल। बीजेपी ने कांग्रेस के राहुल राग पर ली चुटकी, कहा राहुल को आखिर कब मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस पर बीजेपी का आरोप, देश के विकास और वृद्धि को पीछे ले जाने का इल्जाम। बीजेपी के आरोपों पर मनीष तिवारी का पलटवार, बीजेपी को शुरू से है आधारहीन आरोपों की आदत। कांग्रेस चिंतन शिविर में मणिशंकर अय्यर का चौंकाने वाला बयान, कहा पार्टी और सरकार में है संवादहीनता। अय्यर ने कहा पार्टी और सरकार के बीच तालमेल की कमी, पाटने की होनी चाहिए कोशिश। मणिशंकर ने बीजेपी पर भी सादा निशाना, कहा पीएम पद के लिए बीजेपी में कुत्ते बिल्लियों की तरह घमासान। अय्यर पर बीजेपी का पलटवार, कीर्ति आजाद ने कहा गड़बड़ा गया है मणिशंकर का दिमाग। मणिशंकर अय्यर पर भड़के बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे, कहा ऐसी बयानबाजी की नहीं थी उम्मीद। जयपुर में पीएम और सोनिया ने किया टनल का उद्घाटन, जवाहर नगर से आगरा हाईवे को जोड़ेगी सुरंग। टनल के उद्घाटन के दौरान पीएम और सोनिया के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे मौजूद, सुरंग से बचेगा लोगों का वक्त। रेल मंत्री पवन बंसल बोले, डीजल की कीमत में फेरबदल से रेलवे पर भी पड़ेगा असर, हालात की करेंगे समीक्षा। बजट के दौरान रेल किराए में बढ़ोतरी पर बंसल ने दिया गोलमोल जवाब, कहा हालात की समीक्षा कर लिया जाएगा फैसला। डीजल और रेल किराए में बढ़ोतरी के विरोध का जयललिता का ऐलान, 24 जनवरी को AIADMK समर्थक केंद्र सरकार के दफ्तरों के आगे देंगे धरना। डीजल और रेल किराए में बढ़ोतरी पर बीजेपी ने साधा यूपीए सरकार पर निशाना, कहा आम आदमी की नहीं है सरकार को चिंता। तृणमूल नेता सौगत राय का बयान, कहा तेल और रेल की कीमतों में बढ़ोतरी गलत, फैसला होना चाहिए वापस। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राजकोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, यूपीए सरकार का जलाया पुतला। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली का डीजल की कीमतों पर रोल बैक से इनकार, कहा हिंदुस्तान में फिर भी काफी सस्ता है डीजल। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा 2014 कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नहीं मिलेगा सरकार बनाने का मैंडेट, क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी मजबूत। बाबा की विरासत संभालने के लिए सामने आए आदित्य ठाकरे, शिवसेना को और मजबूत करने के लिए शुरू किया महाराष्ट्र का दौरा। आदित्य का कोंकण से शुरू होगा 3 दिवसीय दौरा, उसके बाद विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के शिवसैनिकों में फूकेंगे जान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने की बाल ठाकरे की जमकर तारीफ, कहा तानाशाह नहीं बल्कि बेहद कुशल नेता थे ठाकरे।
बजट सत्र में आएगा फूड सिक्योरिटी बिल, स्थायी समिति ने संशोधनों के बाद पेश की है रिपोर्ट। जेल में बंद इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला की जेल में बिगड़ी तबीयत, जेल से अस्पताल में किया जा सकता है शिफ्ट। मुंबई में चलती स्कूल बस में 4 साल की मासूम से छेड़छाड़, बस कंडक्टर ने चलती बस में की अश्लील हरकत, घिनौनी हरकत करने वाले कंडक्टर गिरफ्तार, अदालत ने 1 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई में 14 साल की लड़की से बलात्कार, 1:30 बजे रात मरीन ड्राइव पर हुई वारदात, 19 साल का आरोपी गिरफ्तार। मां से झगड़े के बाद घर से भागी थी लड़की, 2 हफ्ते से थी रिश्तेदार के घर, सीएसटी स्टेशन पर हुई थी आरोपी से दोस्ती। दिल्ली से सटे नोएडा के 5-स्टार होटल में एक महिला की हत्या, पति ने कबूला जुर्म, कहा गला दबाकर पत्नी को मारा। उदयपुर में दिमागी बीमारी की शिकार 8 साल की लड़की की अगवा कर हत्या, कत्ल से पहले लड़की से हुआ था बलात्कार, लड़की को चॉकलेट दिलाने के बहाने किया था अगवा, आरोपी गिरफ्तार, परिवार के लिए 5 लाख मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के आनंद विहार में शादी समारोह में मातम, गोली लगने से दिल्ली पुलिस की एएसआई की मौत, एएसआई पर गोली चलाने के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण, कत्ल का मामला दर्ज, पुलिस खंगाल रही है वीडियो फुटेज। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी दिल्ली, बीती रात दिल्ली पुलिस और मेवाती गैंग में जमकर फायरिंग। पीतमपुरा इलाके में मुठभेड़, मेवाती गैंग के 5 बदमाश हुए गिरफ्तार, पुलिस की गोली से 1 की मौत, मवेशी चुराकर ले जा रहे थे मेवाती गैंग के लोग, पुलिस ने मौके पर पकड़ा तो शुरू हुई फायरिंग, पुलिस के जवान भी घायल। दिल्ली के बुराड़ी में एक खौफनाक हादसा, नाले में गिरी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। शादी में शरीक होने आया था मेरठ का परिवार, लौटते वक्त हुआ हादसा, नाले में गिरने के बाद पलटी कार। दिल्ली के रानीबाग में झुकी 5 मंजिला अवैध इमारत, पड़ोस में रहने वालों में बिल्डिंग से नुकसान का डर। नक्सलियों के चंगुल से सुरक्षित लौटा एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर, शुक्रवार शाम सुकमा में नक्सलियों ने जबरन कराई थी लैंडिंग, घायलों और शहीद का शव लेने जंगल में भेजा गया था हेलीकॉप्टर, नक्सलियों ने घेरा, सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी में पीछे हटे नक्सली। नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में हेलीकॉप्टर में सवार एक टेलीफोन ऑपरेटर घायल, कुछ घंटे की गोलीबारी में सीआरपीएफ के जवानों ने हेलीकॉप्टर को छुड़ाया। लंदन में पंजाब और सिंध बैंक में सेल लगाकर लूट, चोर बैंक और 38 लॉकर से तोड़ कर ले गए थे कीमती सामान, बैंक में नहीं थे सुरक्षा के इंतजाम, ना कोई चौकीदार था और ना ही सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सुबह कर्मचारियों के आने पर घटना का चला पता। मुंबई में फुटपाथ पर कब्जे के मुद्दे पर हटाए गए ढोबले बने नायक, कई लोगों ने की वापसी की मांग। मुंबई में बीएमसी की फुटपाथ पर कब्जे के खिलाफ मुहिम तेज, कई जगहों पर कार्रवाई। मुंबई में हॉकर्स एसोसिएशन करेगी प्रदर्शन, पुलिस और बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ 19 फरवरी को होगा प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, प्रदर्शन में लाठीचार्ज से बढ़ा मामला। सेंट्रल वाटर कमीशन के डायरेक्टर के खिलाफ रेप का मामला, महिला ने लगाया आरोप, मामला दर्ज। तीसरे वनडे में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, 15 ओवरों में 1 विकेट पर बनाए 70 रन। तीसरे वनडे में 156 रनों के लक्ष्य का भारत के खिलाफ, तीसरे वनडे में इंग्लैंड की हालत पतली, 155 रन पर सिमटी पूरी पारी। टॉस जीतकर धोनी ने किया था पहले गेंदबाजी का फैसला, 43वें ओवर में खत्म हुई इंग्लैंड की पारी। रांची में भारतीय बॉलर्स का कमाल, जडेजा ने लिए 3 विकेट, ईशांत शर्मा और अश्विन ने लिए 2-2 विकेट। भारतीय गेंदबाजों के सामने धराशायी हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज, रूट ने बनाए सबसे ज्यादा 39 रन। कैप्टन कुक भी सस्ते में हुए आउट, 17 रन पर शमी ने भेजा पवेलियन, पीटरसन भी जोड़ पाए महज 17 रन। धोनी के होम टाउन रांची में पहली बार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला, खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह। 3 साल में तैयार हुआ है झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन का ये स्टेडियम, धोनी ने कहा स्पेशल फील कर रहा हूं। शुक्रवार को रांची के नए स्टेडियम का हुआ उद्घाटन, ढोल नगाड़ों के साथ समारोह, धोनी ने बजाया ड्रम।
धोनी के चाहने वालों ने मैच से पहले मांगी जीत की दुआ, मंदिर में की पूजा अर्चना। खचाखच भरा है जेएससीए का स्टेडियम, दर्शकों को टीम इंडिया से जीत किया। श्रीनगर में जमकर बर्फबारी, जनजीवन अस्त व्यस्त, पारा माइनस में। अनंतनाग और जवाहर टनल के पास आई बर्फीली आंधी, जवाहर टनल अब भी बंद। जम्मू कश्मीर के रजौरी में भी जबरदस्त स्नोफॉल, कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट। शिमला में भी बर्फबारी से स्थानीय लोग बेहाल, नालों में पानी जमा, लेकिन सैलानियों की मौत। बारिश के बाद दिल्ली में आज मौसम में सुधार, दिन में निकली धूप, पारा भी चढ़ा ऊपर। इलाहाबाद में महाकुंभ में विदेशी भक्तों का जमावड़ा, अपने अपने गुरु के आश्रमों में है भक्त। अमेरिका से आई सनी देवी अपने गुरु के आश्रम में भक्ति में रमी, एक समय रही है अमेरिका और जापान में टॉप मॉडल। 90 के दशक में सनी की थी ग्लैमरस लाइफस्टाइल, कैमरा देखकर आज भी हो जाती है कॉन्शियस। महाकुंभ में कैरन भी हुई कृतिका, एमबीए करने के बाद एक्सपोर्ट फर्म में 20 साल तक किया है काम। यूक्रेन की ओलिना टेरासोवा बन गई है सती माता, शांति की खोज भारत आई ओलिना, अपने गुरु के साथ शाही स्नान में हुई थी शामिल। भारी बर्फबारी से जमा यूरोप, इंग्लैंड में 30 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की आशंका। इंग्लैंड में बर्फबारी से सड़क पर चलना मुश्किल, सैकड़ों उड़ाने रद्द, 3,500 से ज्यादा स्कूलों में छुट्टी। भारी बर्फबारी से फ्रांस में भी आफत, सैकड़ों उड़ाने रद्द, पेरिस के चाप एयरपोर्ट पर फंसे यात्री। मॉस्को में 2 दिन से जारी है भारी बर्फबारी, सड़कों पर मीलों लंबा लगा जाम, बर्फ हटाने में छूटे पसीने। चीन के जिंगजियान शहर में कोहरे का कोहराम, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार।